हैं वेलकम टू आर एवरीवन माय चैनल सानंद फिजिक्स। आज हम कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट थ्री पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो नंबर पार्ट थ्री। यदि आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी पिछले वाले दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा हमारा वीडियो। आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं कि कैसे आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम उसी क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बातें करने वाले हैं, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपके लिए। वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स के पावर थ्री। यदि ऐसा कोई फंक्शन दिया हो और आपसे कहे कि एक्स के सापेक्ष उसका अवकलन कीजिए तो आप क्या करेंगे वो हम देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन dx। अब देखिए आपको e टू दी पावर x के फार्मूले मालूम है, आपको e टू दी पावर x का फार्मूला मालूम है, ना कि आपको e टू दी पावर x टू दी पावर 3 का फार्मूला मालूम है। तो आप इसको कुछ समय के लिए ये मान लेंगे ये क्या है, सिर्फ x है। यदि ये सिर्फ x होता तो e टू दी पावर x का जो अवकलन होता है क्या होता है, e टू दी पावर x। ये भी क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x। लेकिन रियलिटी में तो x है नहीं, ये क्या है, x क्यूब है। हमने तो क्या इसको कुछ समय के लिए सिर्फ x माना है। यदि हमने इसको x माना है तो ये क्या है, x क्यूब है। तो x क्यूब का अवकलन क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं d अपॉन dx x क्यूब, आपने पढ़ा भी है। एक्स टू पावर यन, एक्स टू पावर यन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, मतलब तीन में से एक गया, मतलब कितना हो जाएगा, तीन का घात दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री एक्स टू पावर टू। यही क्या है, उसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है आपको। हमारा क्वेश्चन था वाई बराबर टू टू दी पावर एक्स टू दी पावर थ्री। तो आपको टू दी पावर एक्स टू पावर थ्री का अवकलन ज्ञात करना था। तो हमने क्या लिखा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डीवाई बाई डी एक्स, एक फंक्शन में क्या किया हमने, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल फाइंड कर दिया। तो हमने ये देखा कि हमने इसको मान लिया कुछ समय के लिए क्या है, ये एक्स है। ई टू दी पावर एक्स का अवकलन हम फार्मूले में जानते हैं क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स। इसको क्या किया हमने, ई टू दी पावर एक्स ही लिखा, लेकिन रियलिटी में क्या है, ये एक्स तो है नहीं, ये क्या है, एक्स क्यू है। तो एक्स क्यूब का अवकलन ज्ञात करना हम आपको बताया कि किस फार्मूले पर बेस्ड है, वो इस फार्मूले पर बेस्ड है एक्स टू पावर एन के। होता क्या है, ये फार्मूले का अवकलन एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, हमने वही काम किया। एक्स का पावर थ्री मतलब हमने थ्री आगे लिख लिया, पसंद किया एक्स टू पावर एन माइनस वन, मतलब तीन में से एक कम, मतलब तीन के घात दो, यहाँ क्या हमने उसको लिख लिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ढूंढता हूँ। हाँ, हमारी बराबर 2x का स्क्वायर, इसका आपको अवकलन फाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर वही है, क्या लिखेंगे अपने कॉपी में, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन या अवकलन, डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या है, वाई का फंक्शन है जो एक्स के फॉर्म में दिया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। सेम प्रोसीजर वही है, हमने क्या मान लिया है, हमने इसको एक्स मान लेना है कुछ टाइम के लिए। तो एक्स टू पावर एन का फार्मूला क्या होता है, जब हम एक्स टू पावर एन का अवकलन फाइंड करते हैं, क्या लिखते हैं, आगे n लिखते हैं, फिर x टू दी पावर n माइनस वन, मतलब n से एक घात कम, यहाँ पर क्या आएगा, x टू दी पावर n, मतलब n पहले आएगा, तो n कितना है, घात दो है, दोनों लिख लिया, फिर x लिख लिया हमने, फिर क्या n माइनस वन, मतलब टू माइनस वन, कितना आ जाएगा, दोनों से क्या एक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मतलब
ठीक है, लेकिन ये तो x है नहीं, ये क्या है 2x। जब हम इस 2x का अपना फाइंड करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। क्या करेंगे आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2x, दैट मीन्स 8x। यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए हम आपको एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों अपने कुछ है नहीं, बस फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि y बराबर ये मेरा क्वेश्चन है, आपको अपॉन फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो y का फंक्शन x के टर्म में दिया हुआ है, ये क्या है, भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। और हमने आपको फार्मूले में पढ़ा चुका है हमारे पार्ट वन की वीडियो में, जब ऐसे फ्रैक्शन टाइप का हो तो आपको क्या करना होता है। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। ठीक है, इसका हिंदी होता है अवकलन, डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, तो वाई का डब करेंगे डीवाई अपॉन डीएक्स हो जाएगा। अब देखिए, पहला है क्वेश्चन ऐसा हमारे वीडियो में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, करना क्या होता है कि हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। ये तो फार्मूला था, अब आप इसमें बैक वैल्यू पुट कर देना है। हर क्या है मेरा एक्स है, हमने एक्स लिख लिया, इसका करना है मैं डिफ्रेंशिएशन, तो अंश का अंश कितना है टू टू दी पावर एक्स माइनस अंश क्या है टू दी पावर एक्स करना है हमें डिफ्रेंशिएशन, तो हर का हर कितना है x। ठीक है, तो नीचे क्या है हमारा हर का स्क्वायर, दैट मीन्स x का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए y अपॉन dx, x है तो x, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन मतलब e टू दी पावर x का ऑपिंग क्या होता है e टू दी पावर x, तो हम यहाँ पर e टू दी पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस तो माइनस अंश e टू पावर x हमने लिख दिया। अब d अपॉन dx मतलब अवकलन, किसका अवकलन, तो x का अवकलन, और वो कितना होता है एक होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कॉपी में। यदि किसी भी बेस पे पावर जीरो हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, और वन इंटू वन मतलब वन। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स का अवकलन एक हो जाएगा। ठीक है, एक्स इंटू वन मतलब इंटू वन एक्स, और नीचे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, यदि एग्जाम में आप यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं तो क्या वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहें इसको और सॉल्व करने के लिए तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे क्या, आप एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो हमें डिवाइड करेंगे क्या होगा, इसका वन एक्स कट जाएगा
एक्स से पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे पावर टू है, देखिए वन पावर स्क्वायर करो यहाँ पे पावर वन बच जाएगा, माइनस टू की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहे तो एग्जाम यहाँ पे सॉल्व कर या यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है, दोनों करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये रहा किस टाइप का क्वेश्चन, जब क्या हो अंश और हर दिया हो, दो इंपॉर्टेंट है, एक अंश और हर वाला और एक कौन सा, जब दो फंक्शन क्या मल्टीप्लाई हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फंक्शन, इन दोनों बहुत फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे आपको आप देख भी रहे होंगे कि हम हर जगह ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर रहे हैं एक्स टू पावर एन का, ये पहला फार्मूला था हमारे वीडियो का, क्या होता है ये एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। दोस्तों यदि आप हमारे 20 फार्मूल को याद कर लिए तो यकीन मानिए आपको आकलन बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, और यदि आपको आकलन नहीं आएगा तो फिर समाकलन पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो आकलन के जितने भी फार्मूले हैं सभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आइए अगर आप सुन लेते हैं किसी टाइप का, तब मैं क्वेश्चन बोल रहा क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिए हैं। उसमें क्या है, वाई इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष आपको आकलन फाइंड करना है। वो करना क्या है, वाई इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स, लॉग टेन एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको लॉग टेन एक्स का आकलन तो मालूम होगा नहीं, लेकिन आपको ये जरूर मालूम होगा कि लॉग एक्स का आकलन क्या होता है, लॉग एक्स का आकलन क्या होता है। और ये हमने आपको पढ़ाया भी, ये क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुछ टाइम के लिए ये मान लेना है कि जो टेन एक्स है वो टेन एक्स नहीं है, वो क्या सिर्फ एक्स है। तो हमने क्यों कहा, क्योंकि आप जानते हैं जब हम इसको एक्स मान लेंगे इस पूरे वैल्यू को, तो आप जानते हैं कि लॉग एक्स का आकलन क्या होता है। ठीक है, वही देखेंगे बेसिक चीज जो हम सब वीडियो में लिखते हैं, इसके साथ डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने पर क्या लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स। और अभी हमने आपसे कहा हमें कुछ टाइम में ये मान लेना है कि ये वैल्यू क्या है, एक्स है। तो हम जानते हैं कि लॉग एक्स का आकलन क्या होता है, वन अपान एक्स, लेकिन ये तो एक्स है नहीं, ये क्या है, टेन एक्स। क्या करेंगे, इसको हम टेन एक्स लिख लेंगे। अब जिसको हमने एक्स माना था, रियलिटी में तो एक्स है नहीं, वो क्या है, टेन एक्स है। जो हमने टेन एक्स माना है उसका आकलन क्या होता है, उसका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स आकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई आकलन में कितना जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। दोस्तों सबसे पहले चीज़ है कि आपके अंदर बस सीखने की ललक होनी चाहिए। ये हमारा तीसरा वीडियो है, यदि आप पहला वीडियो अच्छे से देखे होंगे पढ़े होंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और यदि आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है आप अपनी राय हम कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।